जय हिंद हिंदुस्तान, कैसे हो? देखा, मैं कितने दिनों से आप लोगों को वीडियो बना बना के भेज रहा हूं इटली से कि प्लीज घर के अंदर रहिए, घर के अंदर रहिए, लेकिन कोई मान नहीं रहता। आज हमारे यहाँ पे कंडीशन वर्स्ट हो चुकी है, शायद इसीलिए मोदी जी ने बोला है कि कृपया करके अभी 21 दिन का काउंटडाउन। दोस्तों, यहाँ की कंडीशन बहुत बुरी है। आप लोग आज अगर संभल गए तो हमारा देश संभल जाएगा, नहीं तो ये किसी के हाथ में नहीं रहने वाला। मैंने अभी तक कम से कम 10-12 वीडियो बना बना के भेजे हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि कोई ने किसी ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया। बस लोग लाइक करते, मैंने लाइक करने के लिए वीडियो नहीं बनाया था और ना ही वीडियो लाइक करने के लिए बना बना के भेज रहा हूं। दोस्तों, ये तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। आज मैं अपने आंखों देखा हाल यहाँ पे हूं। मैं जो देख रहा हूं, यहाँ की कंडीशन बहुत बुरी है। अभी तो हमारे यहाँ पे इस कंडीशन पे है कि घरों में लाशें मिलना शुरू हो गई है। स्पेन में तो इससे भी बुरी हालत है। मतलब अभी ऐसा है कि लोग घर छोड़ छोड़ के चले गए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन कैसी है। पूरी खिड़कियां बंद है, मतलब लॉकडाउन है ना, पूरा लॉकडाउन है। दोस्तों, प्लीज अभी भी संभल जाओ। अगर आज अगर हम संभल गए तो हमने दुनिया जीत ली। मैंने उस दिन भी बोला था वीडियो में और आज भी बोलता हूँ वीडियो में कि प्लीज अगर आज हमारे मोदी जी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट एक साथ होकर अगर लड़ाई लड़ रही है, वो खुद के लिए नहीं लड़ रही है, वो तुम्हारे लिए लड़ रही है, हमारे लिए लड़ रही है, हमारे हिंदुस्तान के लिए लड़ रही है। दोस्तों, इतना बुरी कंडीशन आ सकती है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम इतने कैपेबल नहीं है कि जो यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ का क्या बोलते हैं, यहाँ का हॉस्पिटल है, हम नहीं है उतना। हमें बहुत तकलीफ जाने वाली है। यहाँ पे लोग मैराथन कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर्स सो नहीं पा रहे, रो रहे। मतलब अभी नहीं है, किसी के हाथ में कंडीशन नहीं है। बस अगर तुम लोग 21 दिन, 21 पल के हिसाब से अगर निकाल लोगे ना, तो हम जीत जाएंगे। मैं आप सभी से फिर से एक अनुरोध करता हूं कि यहाँ की कंडीशन, जो गलती इटालियन लोगों ने की है, वो तुम गलती मत करो। क्योंकि यहाँ के इटालियन लोगों ने सेम जो हमारे यहाँ मजाक चालू था, अभी भी मजाक शुरू है, कुछ नहीं होता, कौन है, हंस रहे। मैं न्यूज में देख रहा हूँ लोग बाहर बैठे हैं, पुलिस डंडे मार रही है। ये बेवकूफी मत करो दोस्तों। यहाँ के लोगों ने भी यही गलती की, कुछ नहीं होना है। लोग बाहर निकल के सिगरेटे पीते थे, बाहर में बातें कर रहे हैं, कुत्ते घुमा रहे। आज उन्हीं के लाशें मिल रही है, आज उन्हीं लोगों की लाशें मिल रही है। मतलब इतनी बुरी कंडीशन है। आज भी समझ जाओ, अगर ये लॉकडाउन हुआ है तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे राज है, और इस राज को सिर्फ तुम्हें ही समझना है। क्योंकि आज ये देखो, मैं जिस तरह से बता सकता हूं आपको बता रहा हूं, आप देख सकते। मतलब हमारे यहां तो ऐसा है कि अभी पूरा मिलिट्री राज है, पूरा मिलिट्री राज है। हम बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये एक दिन तुम्हारा, एक दिन तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे परिवार के लिए। दोस्तों, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैंने अभी तक 10-12 वीडियो बना के भेजा है, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। लोगों ने उस वीडियो को शेयर नहीं किया, ना ही आपस में बांटा। मैं फिर से आज कहना चाहता हूं, इवन मीडिया से भी बोलना चाहता हूं कि प्लीज अगर हो सके तो इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए दोस्तों। मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं हिंदुस्तान के लिए जीता हूं। तो प्लीज आप लोग 21 दिन घर पे रहिए, परिवार के साथ रहिए। अगर ये चीज कंडीशन वर्स्ट हो गई, हम कई साल, कई सदी पीछे चले जाएंगे। दोस्तों, ये बात मेरी बात लिख के रखना। मैं 7 तारीख से, 7 मार्च से वीडियो बना बना के भेज रहा हूं, लेकिन आज तक उस वीडियो को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया और ना ही किसी ने दोस्तों में शेयर किया। दोस्तों, कंडीशन है, इसीलिए बोल रहा हूं, मेरे आंखों के सामने है। मुझे तो डर लग रहा है, लोग मैं घरों में आवाजें आ रही रोने की, यहाँ परिवार, यहाँ स्मेल आ रही है आजू बाजू में। जहां स्मेल आ रही है, मैं आपको दिखाता हूं, मेरे घर के सामने ही है। आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग में स्मेल आ रही है, ये 3 दिन से है। कल 2 लाशें मिली, आज फिर से स्मेल आ रही है। मैं नहीं बता सकता कि क्या कंडीशन होने वाली है हमारे इंडिया में। तो प्लीज दोस्तों, एक बार तो भी समझ जाओ, एक बार तो भी समझ जाओ। सिर्फ 21 दिन, 21 दिन घर में परिवार के साथ रहो। जय हिंद, जय भारत, ओम साई राम।